साउथ कोरिया की राजधानी है वहाँ गई थी एक डेलीगेशन के तौर पर और एक कॉन्फ्रेंस के लिए और जाहिर सी बात है जहाँ भी जाते हैं हम अपने इंडियन एम्बेसी में भी जाते हैं मिलने के लिए तो हम अपने जो हमारे राजदूत हैं वहाँ की सुप्रिया जी से मिले बाहर आए तो हम लोग कॉफ़ी चाय पी रहे थे हम लोग सारे डेलीगेट्स और हम ही हमारी गाड़ी जाने लगी तो हमने देखा कि बहुत ही भद्दी गालियाँ हमारे प्रधानमंत्री को दी जा रही थी और हमें यकीन नहीं आया कि इस तरह की आवाज़ें जो हैं मुर्दाबाद के नारे हमारे देश के बारे में क्यों लगाए जा रहे हैं थोड़े आगे गए तो देखा कि वहां पे पाकिस्तानी फ्लैग्स लेकर बाकायदा एक प्रदर्शन था उन्होंने इसकी इजाजत ली थी और आप बिलीव नहीं करेंगे जिस तरह की वो बातें कह रहे थे मतलब इतने वलगारिटी के साथ वो जो प्रदर्शन अपना कर रहे थे और कोरियन पुलिस थी उनके सामने हो रहा था लेकिन शायद वो समझ नहीं रहे थे क्या बातें कही जा रही हैं तो पहले तो मुझे लगा कि है फिर हम लोग गए कि हमने कहा हम लोग इंडिया से हैं और आप क्यों मतलब आप आप गालियां क्यों बकरे हमको आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन कोई कोई बातें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल हाथ जोड़ के हमने कहा आप ये सब इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कीजिए आपको कहना है आपको आप आपको कश्मीर में जो हमने किया है वो हमारा इंटरनल मैटर है आपको बोलने का ये हक नहीं है और आप टेररिज्म किस बात के लिए कह रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों कह रहे हैं आप उन्होंने क्या किया है बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रजिस्टर प्रोटेस्ट एवर वी आर आई नो सम कंट्रीज इट्स नॉट इजी टू स्पीक आउट बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू पीसफुली रजिस्टर योर योर एंगर एट बींग इंसल्टेड्रीम एज एन इंडियन दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित करने के बाद पाकिस्तान की सरकार और उनके समर्थक तोबा मचाए हुए है इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान को चीन के सिवाय और किसी भी देश का साथ नहीं मिला इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है